My name is Nargis Gupta in last video we have discussed about the previous year's gate question paper based on array data structure in this video we will discuss about the previous year's solved questions on queue data structure so first question is a queue is implemented using an array such that nq and dq operations are performed efficiently nq or dq operations efficiently perform karne which one of the following statement is correct and refers the number of items in the queue सो so, हमें यह बताना है एन और डी क्यू ऑपरेशंस को इफिशेंटली यदि हम परफॉर्म करें तो कौन सा ए, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा तो बोथ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम देखिए जब भी, भी हम क्यू में इंसर्शन और डिलीशन की बात करते हैं एक एलिमेंट को इंसर्ट किया तो कॉन्स्टेंट टाइम उसी एलिमेंट को डिलीट किया तो कॉन्स्टेंट टाइम यदि दस एलिमेंट इंसर्ट किए तो ऑर्डर ऑफ टेन टाइम दस एलिमेंट को डिलीट करा तो ऑर्डर ऑफ टेन टाइम ये सिमिलर वे में यदि एन एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं तो एन एलिमेंट्स को ही हम डिलीट करेंगे बट क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि हम एन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं या दस एलिमेंट की या पाँच एलिमेंट की तो नॉर्मल वो बोल रहा है कि इफ़िशेंटली हम क्यू में एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्यू में एन क्यू करने का और डी क्यू करने का जो टाइम लगता है वो कॉन्स्टेंट टाइम लगता है विच इज़ अ ऑर्डर ऑफ वन सो बोथ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर ऑफ वन कॉन्स्टेंट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी सर्कुलर क्यू अ सर्कुलर क्यू हैज बीन इंप्लीमेंटेड यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट वेयर ईच नोट कंसिस्ट ऑफ अ वैल्यू एंड अ नेक्स्ट पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोट सो बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास दो फील्ड होती है वन इज कॉल्ड द डेटा फील्ड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द एड्रेस फील्ड ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड बेस्ड है बस हम सिंगली लिंक लिस्ट को जो सर्कुलर क्यू है उसको सिंगली लिंकलिस्ट से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और सिंगली लिंकलिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं मतलब लास्ट नोट पे जो एड्रेस होगा वो आपका फर्स्ट नोट का होगा उसके बाद में वी मेंटेन एग्जैक्टली टू पॉइंटर्स एक को फ्रंट बोल रहा है एंड सेकंड को रियर बोल रहा है पॉइंटिंग द फ्रंट नोट एंड द रियर नोट इसको हम बोल रहे हैं रियर जो कि रियर को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट वाला आपका फ्रंट को पॉइंट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट For circular queue, so that insertion and deletion operation can be performed in constant time. Constant time में insertion और deletion operation हो जाए तो कौन सी statement correct है नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ फ्रंट नोट पॉइंट टू दी रियर नोट मतलब फ्रंट नोट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है मतलब इसकी बात कर रहा है ये किसको पॉइंट करने लग जाए ये पॉइंट कर रहा है किसको रियर नोट को बट नेक्स्ट पॉइंटर रियर नोट को पॉइंट नहीं करेगा उसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रियर नोड पॉइंट टू द फ्रंट नोड नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रियर नोड ये रियर नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है ये वाला जो किसको पॉइंट करेगा आपका किसको पॉइंट करेगा फ्रंट नोड को तो ये फ्रंट नोड को तो इस केस में हम रियर एंड से इंसेशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट टाइम फ्रंट एंड से डिलीशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट टाइम तो स्टेटमेंट नंबर टू ओनली इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Suppose you are given an implementation of queue of integers. The operation that can be performed on a queue are is queue पे जो जो आपको functions दिया उसमें ये सारे operations perform करने is empty का मतलब है कि queue आपका empty है रिटर्न ट्रू इफ द क्यू इज एम टी अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न करेगा डिलीट डिलीट क्यू करेगा डिलीट द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड रिटर्न इट्स वैल्यू उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा डिलीट करेगा इंसर्ट क्यू आई इंसर्ट करेगा इंसर्ट द इंटीजर्स आई एट द रियर ऑफ द क्यू मतलब क्यू के रियर में वो इंटीजर आई को रिटर्न करेगा कंसिडर फॉलोइंग फंक्शन ये हमें फंक्शन गिवन है और ये पूछ रहा है वट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाई दी अब फार्मूला एफ एफ फार्मूले पर हमें कौन कौन से अब फंक्शन सॉरी दिस इज अ फंक्शन एफ इस फंक्शन पर हम अप्लाई करें तो इनमें से कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे अब यहाँ पर देखिए ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है दिस इज अंपल श्यूडो कोड यहाँ पर यह नहीं लिखा कि यह सी का कोड है सी प्लस प्लस का है जावा का है ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में हम डिटेल में सोचेंगे तो शायद हम आउटपुट ना निकाल पाएं तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है और ये सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म यहां पर करने हैं वाइड एफ क्यू तो क्यू हमारा ये आ गया जिसमें इंट आई इंटीजर टाइप वेरिएबल है आई इफ कंडीशन लगी है इज नॉट एम टी क्यू जब तक कि क्यू आपका एम टी ना हो जब तक कि आप क्यू से डिलीट करते जाओ लेट सपोज मेरे पास में ये क्यू है और इस क्यूब में हमारे पास थ्री एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री तो ये है मेरा फ्रंट एंड ये है मेरा रियर एंड फ्रंट एंड से हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं क्यूब में और रियर एंड से हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बोल रहा है जब तक कि क्यू आपका एम ना हो तब तक कि डिलीट करते जाओ क्यू में जो एलिमेंट है और आई में स्टोर करते जाओ तो मैंने फ्रंट में वन था वन को डिलीट करा ठीक फिर उसके बाद में एफ क्यू फिर से कॉल हुआ ये वाला फंक्शन डबल से कॉल हुआ डबल से कॉल हुआ तो फिर से चेक किया क्यू एम टी है नहीं है तो हमने टू को डिलीट करा फिर से ये फंक्शन आपका कॉल हुआ यदि एम टी है नहीं है तो हमने थ्री को डिलीट करा फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्यूँ क्यूँ हमारा एम टी मिल गया तो आपने क्या करा सबसे पहले क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे उनको पॉप कर लिया देन उसके बाद में ये एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है इंसर्ट क्यू आई इस फंक्शन को कॉल कर रहा है अब आप यदि प्रोग्रामिंग रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो आप सोचेंगे यहां हम आ ही नहीं पाए बट हमें थोड़ा सा लॉजिक सोचना है ये सारे के सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो इंसर्ट क्यू आई का मतलब ये है आई मतलब आई की जो भी लास्ट वैल्यू होगी सबसे लास्ट में आपका कौन सा निकल के आए थ्री वो सबसे पहले आपका इंसर्ट होगा तो थ्री होगा देन सेकेंड लास्ट आपका टू होगा देन थर्ड लास्ट आपका वन होगा मतलब जब क्यू से डिलीट करेंगे तो ठीक है बट इंसर्ट में लेटेस्ट वैल्यू ऑफ आई क्या होगी आपकी थर्ड वाली तो बैक एंड से आप क्या करते जाएंगे बैक एंड से वहां पे इंसर्शन परफॉर्म करें जाएंगे मतलब जो सबसे लास्ट में डिलीट हुआ होगा वो सबसे पहले आपका इंसर्ट होगा तो लीव द क्यू क्यू अनचेंज ऐसा नहीं है रिवर्स दर ऑफ द एलिमेंट इन द क्यू यस हमारे रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है एलिमेंट डिलीट द एलिमेंट एट फ्रंट ऑफ द क्यू एंड इनसेट इट एट द रियर कीपिंग द अदर एलिमेंट यह भी गलत हो गया एमटनेस द क्यू यह भी गलत हो गया तो बी इज द ऑप्शन ऑप्शन टू इज करेक्ट जो ऑर्डर मिल रहा है हमें रिवर्स मिल रहा है बट मैं अगेन कह रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन में आप प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में सी सी प्लस प्लस किसी के रिस्पेक्ट में नहीं सोच सकते यहां पे सिर्फ आपको लॉजिक के रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कंसिडर दॉलोविंग ऑपरेशन एलोंग विथ एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन ऑन ए क्यू वेयर के इज अ ग्लोबल पैरामीटर के हमें ग्लोबल पैरामीटर दिया है और यहां पे फंक्शन कॉल किया मल्टी डी क्यू तो मल्टी डी क्यू में के की जो वैल्यू है उसको एम में स्टोर कर रहा है यहां पे और यहां पे वाइल्ड Q इज़ नॉट एम टी यदि Q एम टी नहीं है तो एंड M यदि ग्रेटर है जीरो से तो ये वाला कंडीशन आपकी ट्रू होगी वॉट इज द वर्स केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सिक्वेंस ऑफ एन क्यू ऑपरेशन ऑन ए इनिशियली एम टी क्यू देखिए बार बार हम लोग यही रिपीट करते हैं कि गेट एग्जाम में ऑलवेज जो क्वेश्चन है उसको कम से कम एटलीस्ट टू टाइम्स आपको रीड करना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन के गलत होना बहुत यदि आप एक क्वेश्चन कम करेंगे वो चल जाएगा बट एक गलत कर देंगे तो वो प्रॉब्लम होगा यदि यही टू मार्क्स में होता तो टू मार्क्स आप गलत भी कर देते और टू मार्क्स पे पॉइंट सिक्स सिक्स भी गलत होता तो टू पॉइंट सिक्स मार्क्स का आप मार्क्स का आपका लॉस है तो इस केस में ऐसा ना करें आप दो बार क्वेश्चन को पढ़ें यदि इस क्वेश्चन को आप टू टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ एन क्यू ऑपरेशन इनिशियली एम टी क्यू क्यू आपका इनिशियली एम है तो यहां पे देखना वाइल्ड क्यू इज नॉट एम यदि क्यू एम नहीं होगा तब जाके ये लूप चलेगी बट इनिशियली मेरा क्यू एम है तो ये लूप तो मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी मतलब ये टाइम तो मेरा लगना ही नहीं है. अब टाइम कौन सा लगेगा ये मल्टी क्यू फंक्शन का मल्टीडी क्यू फंक्शन क्या करेगा मतलब आपका मल्टीपल डी uh, क्यूस निकालेगा बट एक चीज़ आप बताइए यदि क्यू के अंदर मेरे पास में तीन एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री तो मैं मैक्सिमम तीन ही एलिमेंट्स तो बाहर निकाल सकता हूँ ऐसा तो है नहीं कि तीन एलिमेंट है तो छः एलिमेंट निकाल सकता हूँ तो मल्टी डी क्यू का मतलब यही है कि आप मल्टीपल डिलीशन करो बट ऐसा पॉसिबल नहीं है जितने इंसर्शन करेंगे उतने ही हम डिलीशन कर पाएंगे तो इस केस में यदि हमने एन नंबर ऑफ इंसर्शन किए हैं तो एन नंबर ही हम डिलीशन कर पाएंगे मतलब ये वाला फंक्शन जो फंक्शन है आपका वो वाला ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स तक चलेगा और ये वाली तो लूप आपकी चलने ही नहीं है क्योंकि इनिशियली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गेट एग्जाम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ स्टैग डेटा स्ट्रक्चर थैंक यू सो मच